नमस्कार, आप देख रहे हैं योगा लाइफ। मैं उजाला कटारिया। दोस्तों, आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का बॉडी में बढ़ना बहुत नुकसान देता है और इसका बहुत कम होना भी बॉडी को नुकसान देता है। पहले तो ये जानते हैं कि ये होता क्या है। ये एक चिकना पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, जो ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ओवरऑल बॉडी को भेजा जाता है। कोलेस्ट्रॉल ये बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दो तरह का होता है, LDL और HDL। जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोला जाता है जिसको। ये बुरा क्यों है? क्योंकि ये लीवर से ओवरऑल बॉडी में जाता है और हमारी जो नाड़ियां हैं उनमें कहीं ना कहीं जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये एक जगह, जैसे कोई एक जगह, कोई चीज़ एक जगह इकट्ठी हो गई, तो जो ब्लड है उसको आर पार जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो ब्लड का फ्लो जो बॉडी में, वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ और प्रॉब्लम्स जो हैं जुड़ जाती हैं। जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, जमा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस लीवर में ले जाता है और लीवर उसको क्या कर देता है, बाहर फ्लश आउट कर देता है वेस्ट मटेरियल्स के साथ। तो दो तरह का कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक बुरा वाला, एक अच्छा वाला। अब बढ़ते हैं, अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए बॉडी में, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, तो क्या होता है? डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो सकता है, मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स साथ में आ सकती हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो कितनी प्रॉब्लम्स को ये साथ में इकट्ठा कर लेगा। बट अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा। कहते हैं कीटाणुओं से संक्रमित होना शुरू हो जाएगा। जो भी आसपास हमारे कीटाणु होते हैं, सिंपल भाषा में जिसको बोला जाता है, वो बॉडी पर अटैक करेंगे, बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, थोड़े थोड़े दिन बाद हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को बैलेंस करके रखना है। देखिए, योग के साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ चुका है, फैटी वसा वाली चीज़ों से बिल्कुल हट जाइए। तेल वाला खाना, ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाना है। संतरे का सेवन कीजिए, केला खाइए, नाशपाती खाइए, सुबह नाश्ते में ओट्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपना आपको स्वस्थ रखना है, फिट रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं योग में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, आपको क्या करना है अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखने के लिए। चलिए, पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन उनको नहीं करना है जिनको सर्वाइकल की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम है वो ये पश्चिमोत्तान आसन ना करें, और अगर बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन है तो भी पश्चिमोत्तान आसन ना करें। चलिए बढ़ते हैं इसकी टेक्निक की तरफ, इसको कैसे किया जाता है। आपको सबसे पहले दंड आसन में आना है। दंड आसन मतलब दोनों लेग्स को सीधा करके बैठना है इस तरह से। देखिए, बैक को हमेशा सीधा रखना है। मैं हर बार बताती हूँ, ये नहीं सिर्फ योग कर रहे हैं तभी बैक सीधी रखनी है, वैसे भी पूरा दिन खड़े हैं बैठे हैं, कमर को आप जितना सीधा रखेंगे बॉडी पोस्चर उतना इम्प्रूव रहेगा, उतना सही रहेगा। इतना कर लिया दंड आसन, उसके बाद ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। यहाँ ऐसे नहीं रहना है, कीप योर बैक स्ट्रेट, सीधी रखनी है। हाथों को चाहे तो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे खींच लीजिए। ऊपर खींचा, अब हम यहाँ से सांस को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। देखिए,
कुछ लोगों का होता है ऐसे हाथ पहुंच गए इतना कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये कर्व आ जाती है बैक में, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है, ये पोस्चर गलत है, ऐसे कर्व नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे ये वाला पोस्चर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपसे आगे ज़्यादा नहीं झुका जाता उसमें क्या ऑप्शन है आपके पास, हाथ ऐसे हैं, हाथों को इस तरह से करिए, कमर को सीधा रखिए, देखिए अपने चेस्ट को, अपने पेट को आगे की तरफ पुश कीजिए, आगे की तरफ, अपने फेस को नहीं करना है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है, अपनी बॉडी को हमें आगे की तरफ धक्का देना है, पुश करना है। फिर से देख लीजिए एक बार, दोनों हाथ ऊपर, अभी इतना होता है यहाँ करिए, गर्दन को सीधा रखिए, सामने देखिए, अपने पेट को, अपनी चेस्ट को धीरे 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 अपनी लेग्स की तरफ लेके जाइए, इस तरह से थोड़े दिन इतना करिए, यहाँ तक होल्ड करिए, चेस्ट को टच करने की कोशिश करिए अपनी थाइस के साथ, जब इतना हो जाए, यहाँ तक हाथ नहीं जा रहे यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ लो, कमर सीधी, चेस्ट को नीचे लगाओ, एल्बोज को नीचे टच कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे थोड़े दिन होल्ड करो, ठीक है। धीरे धीरे अपने पोस्चर को हम इम्प्रूव करेंगे। पूरा पोस्चर क्या है, हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए पूरा आगे यहाँ से होल्ड करेंगे, पहले अपनी चेस्ट को टच करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने फेस को टच करेंगे, इस तरह से, फिर धीरे धीरे इस तरह से वापस भी आना है। देखिए शुरू में अगर नहीं होता वो भी मैंने बता दिया, पूरा करके भी बता दिया, आपसे जितना रुका जाता है उतना रुको, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, कंफर्टेबल हो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 30 सेकेंड रुक के वापस आइए, फिर दोबारा करिए, ऐसे 3 बार आप बड़े आराम से कर सकते हैं, 30 सेकेंड नहीं रुका जाता, 5 सेकेंड रुको, 10 सेकेंड रुको, बट पोस्चर ठीक रखना है। ये तो था पश्चिमोत्तान आसन। अगला आसन है शलभासन। शलभासन करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपने पेट के बल लेटेंगे, ठीक है, उसके बाद अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए इस तरह से अपने थाइस के नीचे प्लेस करनी है, दोनों मुट्ठी, दोनों हाथों की, अपने पैरों को पीछे से फ्लैट रखना है, ऐसे टकिंग नहीं रखेंगे, अपनी चिन को आगे रखना है, शोल्डर्स को नीचे ज़मीन पर रखना है, यहाँ से सांस को भरते हुए अपनी दोनों लेग्स को लिफ्ट करना है, इस तरह से धीरे 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 धीरे, अगर इतनी उठाई जाती है इतनी उठाओ, और ऊपर जा सकते हैं और ऊपर करो, लेग को ऐसे खोलना नहीं है और ऐसे मोड़ना भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है, लेग्स को सीधा रखते हुए अब जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए, यहाँ तक करिए थोड़े दिन, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, कीप योर लेग स्ट्रेट, स्टे हियर फॉर 10 सेकेंड्स और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार और करके दिखा देती हूँ, ब्रीद इन, सांस अंदर, ब्रीद आउट, सांस बाहर, एंड रिलैक्स, हाथों को फिर बाहर निकालिए, इस तरह से। ये था शलभ आसन, इसमें भी 10 सेकेंड रुकिए, 20 सेकेंड रुकिए, धीरे धीरे 30 सेकेंड तक अपना टाइम लेके आइए, ये दो आसन ज़रूर करिए। शलभ आसन उनको नहीं करना है अगर कोई पेट की अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, बैक पेन है तो कर सकते हैं बड़े आराम से, जितना कंफर्टेबल लगे उतना उठा सकते हैं, अगर कोई यहाँ लेग्स में, नीज में कोई इंजरी है तो भी मत करिए। चलिए इसके साथ अब हम आपको बताएंगे एक प्राणायाम। प्राणायाम कौन सा है, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए क्या करना है, चाहे तो आराम से सुखासन, क्रॉस लेग बैठ जाइए, या फिर हाफ लोटस पोज भी लगा सकते हैं, पूरा भी लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, या फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे रखा, अपने राइट पैर को बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस करना है, इस तरह से दोनों हाथों को नीज पे प्लेस करेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कपालभाति प्राणायाम बहुत लोग जानते हैं, कुछ लोग गलत भी करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी कैसे गलत करते हैं। करना क्या है पहले ये समझेंगे, एक लंबी सांस को अपने नाक से अंदर लेना है, फिर उस सांस को ही छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे भाग करते हुए हम उसको बाहर फेंकेंगे धीरे धीरे अपने दोनों नोस्ट्रल से ही। जब हम सांस को बाहर फेंकेंगे तो अपने पेट को अंदर की तरफ करना है, एक बार मैं करके दिखाऊंगी, चाहे तो अपना हाथ भी रख सकते हैं इस तरह से पेट पे,
पेट पे फोकस रखने के लिए कि अंदर जाता है या नहीं जाता है। देखिए लंबा सांस लीजिए और अब एक्सहेल करना शुरू करेंगे। देखिए पेट अंदर, सांस को फेंकना है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फेंकना है। एक बार सांस ले ली उसके बाद बीच में सांस खुद से नहीं लेनी है, वो नेचुरल प्रोसेस जो होगा अपने आप अंदर जाती रहेगी। आपको सिर्फ एक्सहेल, सांस को बाहर छोड़ने में, फेंकने में फोकस रखना है। ये कपालभाति प्राणायाम 30 टाइम्स एक बारी में कर सकते हैं, मिनिमम नहीं होते हैं, 20 कीजिए, 30 कीजिए और 100, इसको धीरे धीरे आप 60 तक लेके जाइए। देखिए एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और चिन मुद्रा। चिन मुद्रा क्या होती है, अपने अंगूठे को अपनी पहली उंगली जो पॉइंट ऑफ फिंगर है उसके साथ इस तरह से टच करते हुए अपने नीज पे रखिए। लंबा गहरा श्वास लें, करने के बाद डीप इनहेल, लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। ये मैंने आपको 30 टाइम्स करके दिखाया, इस तरह आप इसके 3 राउंड कीजिए। अब बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम किसको अवॉइड करनी है, किसको नहीं करनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेट में दर्द है तो भी नहीं करना है। लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। कोई सर्जरी हुई है तो भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। अल्सर है पेट में तो भी नहीं करना है। देखिए हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर किसको करना है किसको नहीं करना है। ये ना हो एक चीज़ को ठीक करते करते हम दूसरी खराब कर लें। तो ये 3 चीज़ें करिए अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। योग ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, अपने आप को ठीक रखें, अपना ध्यान रखें। मैं उम्मीद करूँगी आपको समझ आया हो अच्छे से कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो ज़रूर कमेंट्स करके अपने व्यूज़, अपने सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए YouTube पे, Facebook पे योगा लाइफ को देखते रहें। थैंक यू।